आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला आलू पूरी, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप गेहूं का आटा, 2 मीडियम साइज आलू जो बॉईल करके मैश करके लिए हैं, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, धनिया पत्ती कट करके लिए है, और ये थोड़ा सा पानी है आटा गूंदने के लिए। बनाते हैं मसाला आलू पूरी। अभी ये गेहूं का आटा है 1.5 कप, जिसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज आलू बॉईल करके मैश करके लिए है, वो डाले। ये हल्दी पाउडर है, ये चाट मसाला है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, ये अजवाइन और धनिया पत्ती। एक टीस्पून ऑयल, सब चीजों को एक साथ मिलाना है, अच्छे से बाइंड करना है, आटा गूंदना है। मैं पहले सब चीज मिक्स कर लेती हूँ। जरूर अनुसार थोड़ा पानी डालती हूँ आटा गूंदने के लिए। यह आटा गूंदने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, आलू का जो मॉइस्चर रहता है उसमें ही ज्यादातर आटा गूंदा जाता है। थोड़ा सा ही पानी लगता है और एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना चाहिए इसमें। अब ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है, जिसे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और थोड़ा और मसलती हूँ। अब इसे मुझे 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, उसके बाद में पूरी बेलनी है। 5 मिनट का रेस्ट हो गया है, अब हम इसके पूड़िया बनाते हैं। उसके लिए मैं लोइया बनाती हूँ। पहले ये मैंने 8 किलो ये बना के लिए है, अब मैं पूरियाँ बेलती हूँ। थोड़ा सा ऑयल चकले पे और बेलन पे लगाती हूँ। इसमें पूरी डालती हूँ। हमारी पूरी अच्छे से फूल गई है, इसमें दोनों साइड से अच्छा ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आने तक।
ये हमारी पूरियाँ देखो कितनी क्रिस्पी हो गई है, इसका साउंड देखो बनी है। ये पूरियाँ आलू के वजह से टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारी आलू पूरी बनके तैयार हो गई है, जिसे आप अचार, दही या किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हो। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।